हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चल दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो में, बने रहें आप लोग। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 तारीख यानी 4 तारीख से आपका रिचार्ज प्लान है जो महंगा हो चुका है, यानी सारी कंपनियों ने रिचार्ज का प्लान को अपना इंक्रीज कर दिया है, यानी 50 रुपये से लेकर 100 से प्लस है थोड़ा बहुत, तो बस इसी तरह किया गया है। तो क्या है कि अब जब रिचार्ज करने जाते हैं तो जैसा लगता है कि महंगा हो गया, सस्ता वाला भी आएगा, अभी आएगा, ढूंढते रहते हैं। और क्या है कि काफ़ी लोगों को दिक्कत भी पड़ती है, क्योंकि बहुत लोग थे जो सस्ता वाला प्लान ढूंढ के अपना करवाते थे, तो यही सब प्रॉब्लम है। और दोस्तों, आप लोग बताइए अपनी राय। और फिर बताते हैं कि BSNL का प्लान सस्ता है, तो देखिए आप लोग जैसा हो सकता है वैसे। वोडाफोन, एयरटेल और जियो भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब महंगा होने की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। जानते हैं जैसे कि 4G था तो 5G लाने के लिए उन्होंने पैसा भी खर्च किया है। तो भाई कोई भी अपने घर से तो लगाएगा नहीं, भाई बिजनेस है तो बिजनेस में सब कुछ देखना पड़ता है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। लेकिन ये भी परेशानी है कि थोड़ा जैसे बहुत लोग होते हैं जिसके पास रिचार्ज तक का पैसा नहीं रहता है। लेकिन क्या है कि आजकल का ऐसा ट्रेंड हो गया है कि बिना मोबाइल के कोई रह भी नहीं सकता। अगर मोबाइल डाटा अगर मतलब जैसे कि रिचार्ज अगर थोड़े से समय के लिए ख़त्म हो जाता है तो जैसे लगता है कि क्या हो गया है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब आजकल मोबाइल के बिना कोई रह भी नहीं सकता, तो बस यही बात है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहें और देखते रहिएगा आप लोग, और पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो, और बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को कौन सा सिम पसंद है।